काम तो करें अच्छा, लेकिन हमारी मार्केटिंग है कमजोर। तो हम जो है, क्योंकि मार्केटिंग में अपने को जो है हमारी बातें अच्छी तरह रखनी पड़ेगी ताकि हम मजबूत, हमारे बच्चों का, नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल हो। इसलिए जो है जिंदल परिवार जो है कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ा, इसलिए जुड़ा कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छा माध्यम है कि जो जिसकी देश की सोच हो, हम सब मिलजुल करके अपने सपनों का हिसाब। यू थाईकॉन और भारतवर्ष में आम आदमी को तिरंगा फहराने का अधिकार के साथ स्वागत। वो आए और हमें अपना संबोधन थे भाई श्रीमान नवीन जिंदल जी। हमारे बड़े भाई हुड्डा साहब, अशोक तंवर जी, महेश शैलजा जी, मां जी, सबके नाम लूंगा, सब आप सबको जानते हो। तो सम्मानित मंच और यहाँ पर सदन में बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, साथियों, मेरी माता और हमारे जो नौजवान साथी यहाँ बहुत उत्साहित हो रहे थे, तो आप सबका उत्साह देख करके ये हमें विश्वास हो गया है कि परिवर्तन जो है जरूर हो रहा है। परिवर्तन बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाने से बच्चों को स्वागत करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद बड़े भाई। अब मैं बुलाना चाहता हूं उस शख्सियत को, राज्यसभा की भी वो सदस्य हैं, परम सम्मानित परम श्रद्धेय कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैल, जिन्होंने सियासत का बहुत लंबा दौर तय किया है। अभी देश भर में आजाद साहब को गौरव जिन्हें मिले, यूथ कांग्रेस कश्मीर से लेकर जिससे पहले जब ये यूथ कांग्रेस में आए, शायद ये ही अकेले हमारे कांग्रेस नाम लिए गए, बार बार वही नाम लेना ठीक नहीं, और मुझसे ज्यादा आप सबको अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ बस जोरदार तालियों के साथ एक बार किया जाएगा। सभी अन्य परिवर्तन हो गया, उनका किस पार्टी में हुआ है सर, वो आप उनसे पूछे। मंत्री होगा जो सभी प्रधानमंत्रियों का, और आज ये आए हैं सबसे पहले तो इनका यहाँ स्वागत है। हिसार जिले में दो दिन से हम यात्रा कर रहे हैं इनके साथ, और मेरी बहन शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, और विधायक हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं जयवीर वाल्मीकि जी, अनिल ठक्कर जी, पूर्व विधायक हमारे रामकृष्ण फौजी जी, नरेश गहलोत जी, रामनिवास घोड़ेला जी, राम भगत जी,
वह हमारे साथी पूर्व चेयरमैन जिला परिषद राजेंद्र सुरा जी, धर्मवीर गोयल जी, वह जो जिन्होंने हिसार के विकास में सबसे बड़ा साथ काम दिया, मेरे साथ मंत्री रही और कभी भी कहा हिसार के लिए कभी आते थे कहते थे भाई 100 करोड़ दे दे मैं तो कठिन। हमारी बहन सावित्री जिंदल जी और हमारे भाई युवा नेता नवीन जिंदल जी, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ से जाके कुरुक्षेत्र भी बन सकते हैं, हिसार में भी बन सकते हैं, जहाँ मर्जी बन जाए। उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मात्र शक्ति बातें तो बहुत आपने सुनी, काफी देर भी हो गई, लेकिन आज हम आए हैं आपके सामने सब इकट्ठे होकर ये बताने के लिए, निवेदन करने के लिए कि चुनाव का टंका बज चुका है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार का हमने कार्य देख लिया और उससे पहले 10 साल पहले यूपीए सरकार का कार्य देखा केंद्र में और हरियाणा में कांग्रेस सरकार का कार्य देखा। आज सारे वर्ग बैठे हैं मेरे सामने, किसान भाई भी हैं, मेरे व्यापारी भाई भी बैठे हैं हिसार में, मजदूर भी हैं, दलित भी हैं, महिलाएं भी हैं, कर्मचारी भी बैठे, हर वर्ग बैठा है। सबसे सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि कौन सा समय अच्छा था, किस समय तुम हर वर्ग खुश था। किसान हमारे समय में, कांग्रेस के समय में खुश था ना, क्योंकि उनके दिमाग उनको मूल्य मिलता था। आज तो झगड़ा MSP का पड़ रहा है, सरसों जो है 4500 रुपए MSP है लेकिन 3200 रुपए बिक रही है यहाँ मंडी में। तो इस किस्म से ये सरकार आने के बाद लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी, लागत बढ़ा दी, खाद पे भी टैक्स, कीटनाशक दवाइयों में भी टैक्स, कीटनाशक में भी, ट्रैक्टर पार्ट में भी, हमारे समय में कोई टैक्स नहीं किसी भी चीज, और खाद खाद जो हमारे समय 850 कट्टा था आज कितने हो गया 1400 कट्टा हो गया और 5 किलो वजन कम कर दिया। उसके ऊपर प्रधानमंत्री बीमा योजना और ठोकी, जबरदस्ती पैसे काट रहे, किसी को कुछ नहीं मिला। इसी तरह मेरे व्यापारी भाई बैठे गए, आज आप किसी से बात कर लो सहमा हुआ डरते व्यापार में एक ऐसा माहौल प्रदेश देश में कर दिया कि हर व्यक्ति डर रहा है, काम नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, डर सकता किसी से बात नहीं कर सकता, टेलीफोन भी जो है पैसे नहीं मिलाते, व्हाट्सएप पे बात करते, ऐसा एक देश में माहौल बना। गरीब आदमी, हमने अपने कार्यकाल में 3,82,600 गज के प्लॉट दिए, इन्होंने एक दिया तो बताओ। हाँ, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ रखे, मतलब अरावली को भी माफ नहीं किया, माइनिंग का घोटाला, जमुना का रास्ता ही बदल दिया, एक गरीब आदमी के लिए दाल रोटी की स्कीम चलाई थी हमने, वो दाल रोटी की स्कीम भी उसमें घोटाला कर दिया, मतलब हजमा बहुत तेज है इनका, अरावली भी हजम, पत्थर भी हजम, जमुना का रेत भी हजम, गरीब आदमी की दाल भी हजम, कुछ नहीं छोड़ते, ऐसा माहौल प्रदेश में इन्होंने किया। तो आज समय सोचने का, ये हिसार शहर जैसे कहा सभी ने बताया, रंजी ने बताया कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि रही, और भाई मेरा भी आता हिसार परिवार यही रुदास गांव में है, यूनिवर्सिटी साथी है, मेरे बड़े दादा यहीं रहे और लाला लाजपत राय के पिता मुंशी राधे कृष्ण जो रोहतक में टीचर थे वो मेरे दादाजी के शिक्षक रहे, तो जो उनसे संपर्क है परिवार है। लाला लाजपत राय ने देश के लिए क्या नहीं किया, यहाँ हिसार में
और इस इलाके में शहीद भगत सिंह भी आए, हर कुर्बानी की हाथी में देखो लाल सड़क किस काम का भी क्यों है, अंग्रेजों ने रोलर पर चढ़ा दिया, हजारों आदमी मार दिए, रोनाल्ड गांव में सैकड़ों आदमी फांसी पे चढ़ा दिए, यहाँ बहुत बहुत स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं यहाँ पर। अब तो अलग जिला हो गया, जो भिवानी एक जिला था, भिवानी सारे पंडित ने कि नाम शर्मा ने यहाँ हिसार से थे जो कि AICC में उस समय उनके बगैर भाषण के लिए कोई सेशन नहीं चलता था, स्वतंत्रता सेनानी से करेगा गाँव के, तो यहाँ बहुत लोगों ने किया। तो आज सब लोग हिसार की तरफ देख रहे हैं, हिसार किस और करवट लेगा। हम तो आपसे एक बात कहने आए हैं कि आज समय है एक होकर, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, झूठे सपने दिखाकर सत्ता में, आज इनसे हिसाब लो, पूछो कि 5 साल पहले क्या वादा किया था भाई, कौन सा वादा किया हमारे ऊपर पूरा क्या बता दो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हाँ वादा पूरा किया हो तो वोट लो, तो किस बात से किस पहुंचा रहे। आज कोई मतलब कानून व्यवस्था के नाम की चीज तो कोई है नहीं, रोज तो देख रहे हैं आप कितने कत्ल, आप कितने डाके, कोई सुरक्षित नहीं। आज हर व्यक्ति डरा हुआ महसूस करता है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, ऐसी जो कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई, जो 2014 में जिस प्रदेश को अपने प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 छोड़ा था, आज हरियाणा कहाँ है भाई, 5 साल आज कहाँ पहुंच गया हरियाणा, आज कहाँ आप स्वयं देख रहे हैं, कहीं नंबर नहीं हरियाणा का, आज नंबर आता है तो हरियाणा का ऊपर नंबरों में अपराध में आता है, आप सेंटर जो इसकी आता है क्राइम का है वो रजिस्टर, उसको देखो अपराध में आ रहा है, कहाँ प्रति व्यक्ति आए अपने, तो आज सोचने का समय है। 36 बरादरी यहाँ बैठी है, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि 36 बरादरी एक होकर ये बात क्यों, तो देखिए मीडिया में भी बहुत बातें आती हैं और कई दफा मुद्दा वही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये जो आज हम इकट्ठे होके आए हैं गुलाम नबी जी के उसमें, वो जो मीडिया ने एक माहौल बना रखा था कांग्रेस में तो फूट है, ऐसी बात कांग्रेस में तो फूट है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, आज चुनाव है, जहां तक सवाल राहुल गांधी का है और कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं, कांग्रेस एक, तो एक काम मैं तो आपसे एक ही निवेदन है, देश को क्या चाहिए आज, देश का जो सबसे देश चलाता है, सबसे प्रमुख जो पद होता है वो प्रधानमंत्री, तो आज देश को क्या चाहिए, एक ही बात आपने तय कर लो, एक ही अपना दिल में रख लो कि आज देश को सच्चे प्रधानमंत्री की जरूरत है, और इसको मुझे जरूरत है। अब तुम तुम्हारे हाथ में आ गई बात, अब तो पहले तो हमने कुछ किया नहीं, हम तो कोशिश करते रहे, अब तो तुम्हारे हाथ में बात है भाई, हम तो तैयार था जी, तो चार हो तो बेटा 12 दिन की बात है, कांग्रेस को टिकट मिले उसको यहाँ से कामयाब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।